हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी 66 मुख्य परीक्षा के लिए चलाई जाने वाली परफेक्शन आईएएस टीम की तरफ से 50 डेज मेंस प्लानर सीरीज़ के 27th वीडियो में हम 27th क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4G एवं 5G टेक्नोलॉजी पर लिया गया है। परफेक्शन आईएएस बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं। इनसे जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। इस आंसर का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बेतार दूरसंचार प्रौद्योगिकी यानी कि वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की 4G यानी कि चौथी पीढ़ी और 5G जनरेशन की तुलना करें और भारतीय यानी कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल शुरू करने के लिए इस पर 5G टेक्नोलॉजी को किन किन चुनौतियों से पार पाने की आवश्यकता, यानी कि पहले कंपैरिजन और बाद में जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के कुछ पॉइंट्स। सो हाल ही में एयरटेल ने घोषणा किया है कि उसकी जो 5G नेटवर्क तैयार है, जबकि जियो ने घोषणा की है कि वह 2021 के दूसरे छमाह यानी कि दूसरे छमाह में, खास करके अगस्त के बाद 5G सेवाओं का शुभारंभ करेगा। हालांकि संसद में हाल ही में रखी गई पैनल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को 2022 की शुरुआत तक 5G सेवाएं शुरू हो जाने की उम्मीद है, यानी कि इस पर लेकर कोई तिथि निश्चित नहीं है। सारी जो प्लानिंग थी वो COVID-19 से पहले की प्लानिंग थी। बीच में दो वर्ष COVID-19 महामारी के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके बाद तो अब ये 2025 तक लग रहा है कि आसपास ये आएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि 4G और 5G है क्या, यानी कि अगर G का मतलब पढ़ने तो जनरेशन है कि पीढ़ी, यानी कि हर बार अपग्रेड। जो चौथा जनरेशन था वो 3G से ऊपर आया था और फिर 4G से ऊपर है पांचवा जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन। यह एक वायरलेस सेलुलर कनेक्टिविटी की पीढ़ियाँ हैं। पाँचवीं जनरेशन की पीढ़ी जो है वो सेलुलर तकनीक है जो अत्यधिक कम विलंबता यानी कि अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी डेटा को मोबाइल में इंफॉर्मेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी को डेटा को हैंडल करने में आपके डिवाइस से इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब हम कोई चीज़ किसी डेटा को शेयर करते हैं, किसी फ़ोटो को शेयर करते हैं, तो आपके मोबाइल में समझिए कि आपने कोई फ़ोटो शेयर करना चाहा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, तो ये जो है वो एक पहले सर्वर में जाता है और फिर उस व्यक्ति को मिलता है। तो जितना समय आपके डिवाइस से उसको इस चैनल में कम्युनिकेशन में आने में लगता है, उस फोटो पिक्चर गाना सेलुलर मुझ भी एक डेटा के फील्ड हो, वो डेटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है, JPG, MP4, MP3, तो वो जो डिवाइस से नेटवर्क के जाने के बीच का जो समय है उसको कहते हैं लेटेंसी। और वो जो 4G टेक्नोलॉजी में है, जो आप कम से कम कह सकते हैं कि 10 मिलीसेकंड से लेकर 30 मिलीसेकंड के आसपास है, जो कि 5G टेक्नोलॉजी में वो 1 मिलीसेकंड से भी कम है और इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत अत्याधिक है, जो हम आगे दिन के कंपैरिजन में देखेंगे। और इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी जो है वो एक क्रांतिकारी तकनीक साबित होने वाली है। वायरलेस सेलुलर कनेक्टिविटी को इन अनुक्रमिक पीढ़ियों के बीच निम्नलिखित मापदंडों में तुलना की जा सकती है। तो सबसे पहले जिसे हम कहते हैं लेटेंसी यानी कि विलंबता का समय, जो कि 4G टेक्नोलॉजी में 4G जनरेशन में 4G कम्युनिकेशन नेटवर्क में 20 से 30 मिलीसेकंड या 10 से 20 मिलीसेकंड के आसपास का होता है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी में वो 10 से कम यानी कि कम से कम 1 मिलीसेकंड के आसपास का होता है। बैंडविड्थ ये होता है कि जब दो डिवाइस के बीच में एक रेडियो कम्युनिकेशन होता है, तो आपको पता है कि रेडियो जो है वो एक तरह का साउंड वेव कम्युनिकेशन है। वेव कम्युनिकेशन और वेव जो तरंगे होती हैं वो एक अपनी खास बैंडविड्थ के साथ चलती हैं, तो इसका जो बैंडविड्थ है 5G टेक्नोलॉजी का वो 30 GHz से 300 GHz के बीच जो है उच्च आवृत्ति वाला है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है उतनी ज़्यादा स्पीड होगी और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला नेटवर्क मिलता है। यह बहुत ही अच्छा और उच्च गति का डेटा हस्तांतरण डेटा ट्रांसफर में संभव बनाता है, जबकि 4G का जो बैंडविड्थ है वो है उससे कम 8 GHz का ही, यानी कि कम्युनिकेशन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ऊपर नीचे होने की क्षमता जो है वो 8 GHz है। वहीं 5G टेक्नोलॉजी में वो 30 से 300 GHz के बीच में है। डिवाइस हैंडलिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं
कि एक साथ में कितने डिवाइस को, यानी कि 5G जो है प्रति वर्ग मीटर 1 मीटर स्क्वायर में 10 उपकरणों को सुपर फास्ट डेटा स्पीड प्रदान कर सकता है, जबकि 4G की इससे संख्या कम है। गति की जब बात करें तो 4G नेटवर्क में जो है वो गति कम है, लेकिन जो 5G में है वो GBPS में, यानी कि 4G में आप देखेंगे तो MBPS में स्पीड मिलती है, 1 MBPS, 2 MBPS, 3 MBPS, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी में GB/s, यानी कि GB/s, ठीक है, इतने ज़्यादा, यानी कि आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी डिजिट जिसे हम कहते हैं, बाइनरी डिजिट यानी कि जो भी कम्युनिकेशन कंप्यूटर जो है वो 2 अक्षरों की भाषा समझता है, 0 और 1, 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन। जो हमारे मित्र जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे या जिन्होंने 12th साइंस में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि 0 और 1 कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो इसी 2 डिजिट की संख्या के साथ में जब मेमोरी बनाई जाती है तो उसको कहते हैं बाइनरी डिजिट, यानी कि 2 डिजिट, और उसी बाइनरी डिजिट का IT और B को लेकर बनता है बिट। तो ये जो है बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है उनकी मेमोरी का। कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की मेमोरी क्या उसकी बुद्धि को नापने का सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, और ऐसे ही 8 बिट मिलाकर बनता है 1 बाइट, और ऐसे ही 1024 बाइट को मिलाकर बनता है 1 किलोबाइट, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी में कितनी स्पीड है, यानी उसमें आप समझिए कि 1 GB/s, यानी कि 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1024 किलोबाइट है, यानी 1024 टेरापेटा गीगापिक्सल, जिस तरह से जो हमने डिक्लाइनिंग और मोमेंट्स पढ़ा है तो 10^9 इतने, यानी इसको सरल भाषा में अगर हम समझें तो एक जो मूवी होती है, ठीक है, वो 700-800 MB की आपके पास मोबाइल में एक मूवी आप डाउनलोड करते हैं, तो ऐसी 3-4 मूवी 1 सेकंड में क्लिक करते ही ऐसे कम से कम 3 से 4 मूवी 1 सेकंड में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हो सकती है। ये है 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड, और इसीलिए इसकी विश्वसनीयता भी ज़्यादा होती है। लेकिन उससे क्या होता है कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उस पर कुछ आशंकाएं भी हैं। हाल ही में जूही चावला जी का केस आपने सुना होगा, या बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे भी मैसेज फैलते हैं कि COVID-19 की जो सेकेंड वेव खतरनाक है वो एक COVID-19 नहीं है, ये एक 5G टेक्नोलॉजी का रिसर्च चल रहा है, लोगों पर इस पर रिसर्च किया जा रहा है, तो डैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्फोडेमिक। सो इसको कंपेरिजन को हम चार्ट वाइज देख लेते हैं। जो लेटेंसी है उसमें 10 मिलीसेकंड से ज़्यादा और इसमें 1 मिलीसेकंड से कम, जो ब्लू वाला है वो 5G टेक्नोलॉजी है और ग्रीन वाले जो है ब्लैक वाला इज 4G टेक्नोलॉजी। स्पीड और डेटा ट्रैफिक, यानी कितना डेटा को हैंडल कर सकता है, तो डैट इज़ 7.2 exabytes 4G टेक्नोलॉजी में होता है, और इसमें होता है 50 exabytes, यानी गीगा के बाद भी गीगा, टेरा, पेटा और फिर एक्सा, यानी कि 10^9 12 15 89 10 के 15, यानी 10 को 15 बार 10 के 15 पावर पे इतना डेटा वो हैंडल कर सकता है। स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 1 GBPS तक मैक्सिमम पहुंचती है, लेकिन ये जो है वो 20 GBPS के आसपास, ये भी 4G टेक्नोलॉजी में भी 1 GBPS जो बहुत हाई रेट पर सुपर कंप्यूटर एक पर, नॉर्मली अगर आम डिवाइसेस देखें तो ये 2 MBPS 3 MBPS की होती है, लेकिन यहाँ जो है वो 20 GBPS की हाईएस्ट पीक डेटा स्पीड, और मिनिमम डेटा स्पीड जो होती है वो होती है 2 GBPS। उसका जो बैंडविड्थ होता है वो 300 GHz और ये 3 GHz के आसपास जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम होता है, और कनेक्टिविटी डेंसिटी जो होती है उसके 1000 connections per kilometer square, और ये है 1 million, यानी कि 1,000,000 connections per kilometer square, यानी 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 1,000,000 connection को ये इजीली हैंडल कर सकता है। कनेक्टिंग डिवाइस भी अच्छी है, पैरेलल कंप्यूटिंग भी कर सकता है, और इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी है 4G से एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब 5G को लागू करने में चुनौतियाँ क्या है, सबसे पहला वित्त पोषण, फिनेंस और टेक्नोलॉजिकल मुद्दे। आपको पता है कि वैसे भी एयरटेल या वोडाफोन आइडिया जियो के कंपनी के आ जाने के बाद ये जो इनका आर्थिक संकट से जूझ रही थी, और लगभग इस उद्योग को शुरू करने में, ठीक है, 60 से 70 अरब के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी, जो कि अभी कहीं भी किसी रूप से आवश्यकता या उनमें दिखाई नहीं दे रही। खास करके जब ये पिछले 2 वर्ष से कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बहुत सी कॉर्पोरेट कंपनियों के जो है वो
नुकसान हुआ है, तो ये हालिया समय में जियो कंपनी को छोड़कर बाकी किसी कंपनी के पास इतना फंड, इतना रिसर्च, इतना निवेश अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत इसमें आ सकती है। स्पेक्ट्रम की कीमत भी ऊंची है, और क्योंकि जब ऊंची कीमत है तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के मानकों से 5G टेक्नोलॉजी में कम से कम भारत की जो उसकी कीमत है वो 30 से 40% अधिक है, और सरकारी प्रक्रियाएँ जो हैं दूसरे देशों के मुकाबले इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, ढीले ढाले प्रक्रियाएँ हैं, समय अधिक लगता है, ज़्यादा नियम कानून है, लाल फीताशाही जैसे टेक्निक्स, तो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों जो है उसमें निवेश करने में संकट, और जिनमें निवेश करना भी चाहती हैं वो चाइना की हुआई कंपनी है, जिस पर पहले से ही शंका बनी हुई, क्योंकि हुआई चाइनीज़ कंपनी है, उसमें PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज़ आर्मी के भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि कुछ शेयर होल्डर्स हैं, तो भारत को कहीं ना कहीं या और भी अन्य जो देश हैं वो हुआई पर उतना विश्वास नहीं जता रहे हैं। 5G फाइबर में जो है वो आवश्यकता की भूमिका है, तो 5G जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए एक अलग से फाइबर टेक्नोलॉजी, फाइबर कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि काफ़ी महंगा है, और इस वजह से अभी जो है क्योंकि उनमें निवेश की कमी आ रही है, तकनीकी रिसर्च की कमी आ रही है, और हालांकि जो पैंडेमिक के दौरान जो भी निवेश में आर्थिक मंदी आई है उस पर इस तरह के फाइबर में निवेश करने की अभी क्षमता बहुत से कंपनियों में नहीं है। ठीक है, हाल के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल टावरों में केवल 15% ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हैं, और इस कनेक्टिविटी को लगभग 100% करने की उपाय होगी, तब जाकर 5G टेक्नोलॉजी अपने सही मानक पर चल सकेगी। नियामक ढांचे की कमी, भारत में हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी को नियामक करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ट्राई के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि कुछ स्तर पर बात चल रही है, बातचीत चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड रूप से कोई भी नियामक टेक्नोलॉजी भारत के पास 5G को हैंडल करने के लिए अभी नहीं है, न कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, न कोई नियामक ढांचा है। कुशल पेशेवरों की भी कमी है, और ख़ास करके भारत का जो भी ज्ञान है वो विदेशों में बह रहा है, तो भारत के जो अंदर जो है वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स की काफ़ी कमी है, जो कहीं ना कहीं 5G टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन में देरी ला सकता है, और लोगों की भी अनिच्छा नहीं है, जो खास करके आपने जो हाल ही में जूही चावला वाला केस देखा होगा कि बहुत से लोग जो है इसको लेकर शंकास्पद हैं कि कहीं ना कहीं इससे रेडिएशन से कैंसर हो सकता है और जान जा सकते हैं, पक्षियों की मृत्यु हो रही है, या COVID-19 भी 5G टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया, इस तरह की जो अंधविश्वास है, बीमारियाँ हैं, शंका हैं, कहीं ना कहीं ये भी इसमें जो है वो बाधक बन रहा है, लोग अपने घरों के पास 5G टावर लगाने से मना कर रहे हैं, जबकि बॉम्बे जैसे क्षेत्रों में पढ़े लिखे अच्छे लोग भी। तो 5G इंटरनेट जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इस तरह की चीज़ों में एक क्रांतिकारी कदम है आने वाले समय, जो टेक्नोलॉजी का युग होने वाला है, और जिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो अब रेवोल्यूशन होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन में अगर हमको आगे बढ़ना है, दुनिया से कदम मिलाकर चलना है, तो हमें इस पर जल्दी कोई डिसीजन, ठोस डिसीजन लेकर भारत को भी 5G में खड़ा करना होगा, ताकि इससे न केवल हम अपने युवाओं को, अपने देश की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको स्किल्ड कर सके, प्रशिक्षण दे सके, बल्कि हम जॉब क्रिएट भी कर सके, और बाहर से जो सर्विसेज सेक्टर में, जो सेवा क्षेत्र में, जो इस तरह के भारत का अग्रिम भूमिका रहा है खास करके सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में, उसकी दबदबा बनाए रखे और विश्व भर में भारत का डंका बजता रहे, और भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहीं ना कहीं इस 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रबुद्ध क्रियान्वयन से ही हासिल हो सकता है। अब देखेंगे इसका अंग्रेजी वर्जन। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी विद 4th जनरेशन, इट इज 5G एंड 4G, कंपैरिजन बिटवीन 5G एंड 4G, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट नीड टू ओवरकम ओवर द पैन इंडिया रोल आउट, दैट इज व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रोलिंग आउट द करंट 5G मॉडल दैट हैज बीन इन न्यूज। सो रिसेंटली द एयरटेल कंपनी हैज डिसाइडेड, और एक्चुअली इट वॉज अनाउंसिंग बिफोर द हिटिंग ऑफ द पैंडेमिक इन द 2019 दैट 5G नेगेटिविटी इज रेडी, एंड जियो हैज अनाउंस दैट विल रोल आउट इन द नेक्स्ट, दैट इज द ईयर 2021 आफ्टर द अगस्त मंथ, द नेक्स्ट हाफ ऑफ द 2021। हाउ एवर द रिसेंट पैनल रिपोर्ट बाय द पार्लियामेंट इज नॉट श्योर दैट दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, द ओनली टाइमिंग अवेलेबल विल बी आफ्टर और अर्ली 2022, but the hitting of the pandemic has led to a huge financial crunch in all the sectors, and that is why it seems to be quite unrealistic before 23 or 24 also. So the complete 5G technology revocation will be seen by up to 2025 in India and Indian subcontinent. Now what is 5G and 4G? The 5G and 4G are nothing but their G's refer to generation, and this is an upgradation of the basic level. So from the previous level, an upgrade and update comes regularly in the every field, and that is why 4G was an upgrade of 3G and 5G is an upgrade of
4G with having a better latency, better speed, better bandwidth. Compared to the successive generation, wireless cellular connectivity can be drawn across the following parameters, and the comparison can be done on basis of latency, that is the amount of time data takes to travel from one source to another. 5G has a very lower latency, that is less than 10 milliseconds, whereas 4G is having more than 10 milliseconds, up to 30 milliseconds. Bandwidth is also better in 5G technology. It is up to 300 gigahertz, and for 4G it was up to 30 gigahertz. Device handling capacity is also more per meter square. Is additional is power through fast an additional 1000 devices per square meter, whereas it has very less in comparison to 4G technology. Speed, if the 5G technology can achieve maximum speed, peak hour speed up to 20 Gbps, 20 gigabyte per second, whereas the maximum speed of 4G that can achieve is 1 Gbps. So that is a difference. So if 5G technology can be easily accessible, what will happen? One movie, a sort of movies, or whole of the web series of program of 10 episode web series can be sent from one device to another device in a fraction of 1 second or 2 seconds at all. 5G technology is comparatively better reliable in comparison to 4G technology because of its low battery consumption and offer more secure features. So we'll compare here the latency. Latency is quite low in the 5G technology, whereas it is more than or up to 10 milliseconds. The data traffic, that is how much data handling can be done. So it is 7.2 exabyte, and here it is 750 exabyte. That is almost 5 to 6 times more, or 6 to 7 times more. 1 GB is the peak speed, here 20 GB is the peak speed. Available spectrum is up to 3 GHz, it is up to 30 to 300 GHz, and the connectivity is remarkably well, where it only allows 100,000 connections per kilometer square, it allows a minimum 1 million connections. So what are the challenges before the Indians pan G rollout? So there are 4 challenges. First is the fundamental, or that is the most important problem of funding and technology issue. Since they have been hit by the COVID-19 pandemic, and this kind of major program ruling will require an additional fund of $60 to $70 billion, which is not unwilling, so that the companies, especially after the rollout of Jio in the market, Airtel or Vodafone or Idea both have to merge also, still they are not able to finance that much amount of money in the research and development and implementations of the 5G technology in the coming future, especially under the COVID-19 pandemic, where they suffered a huge loss. High spectrum prices. Comparison to the other international rates, Indian spectrum prices are comparatively more, 30 to 40% more, also followed by a lot of bureaucracy and a lot of rules and regulations and allocation and this kind of, that is why most of the foreign countries are not interested and they are not investing in these kind of projects, especially in India. Although UAE is ready, Huawei has been seen as many other company as a breach to the data policy. Huawei having a share of, so the company, Chinese company Huawei, consists of shares of the PLA, People's Liberating Army, that is the Chinese army, and that is why most of the countries are skeptical about the role of this Huawei company in providing 5G technology, and that is why 5G India is not being dealing with the Huawei company. And since it has more rate, more complexity, and more kind of a red tape is a method, many of the external countries are actually not investing in the R&D and the implementation of 5G technology in India. And first important, most important role is essential role of the fiber. Now only up to 15% of the towers have been connected to data cable or financial fiber data fiber cable, whereas it needs 100% covering so that we can get the 5G technology, which is a remarkably fundamental task, and that is a humongous task to achieve. Lack of a regulatory framework. There is no such framework for handling 5G technology, and the only fragment of TRAI has only the limitations up to 4G technology and stealing. So there needs to be set up a legal regulatory framework which can hide and it can set out the specific guidelines, mechanism, allocation and whatnot. Lack of skilled professionals as well. So there are lack of skilled position. People are also reluctant, especially the recent Juhi Chawla case, another case where the people are also feeling that the COVID-19 cases are rising due to this 5G technology. So these kind of cases, these kind of misconceptions are also adding. People of the educated class, big cities are not allowing the 5G towers to be installed next to their homes, and that is why it is going to be a major challenge to how to penetrate deep into the area if more towers are not allowed to be broken out, and the very concept of 5G technology, which is having a better speed, can only be achieved
विथ अ प्रॉपर कनेक्टिविटी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर एंड द मेजर एंड मल्टीपल माइक्रो सोर्सेस ऑफ द कनेक्टिंग टावर्स. नाउ वील कंक्लूड इट. दैट कंक्लूड इज गोइंग टू बी 5G टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर. सो द 18th सेंचुरी और 17th ऑफ द मिड ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी सो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. देन आफ्टर वी सो अ डिफेंस एंड वॉर रेवोल्यूशन वेयर फाइटिंग अ लॉट ऑफ हैविंग हैपेंड देन अ कम्युनिकेशन IT रेवोल्यूशन एंड टुगेदर दिस रेवोल्यूशन इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक data revolution and this data and robotic revolution if you want to take advantage of this AI that is artificial intelligence, internet of things, information and communication technology, ICT things, these kind of sensitive issues, if you want to make advantage of this, we'll have to make our people skill in this kind of technology, a special kind of skill development for artificial intelligence, robotics, data handling, search engine optimization, advanced schema, and these kind of schemas can be made so that we can be better, be able to exploit, to get advantage from the rising and changing the global scenario, and which is ready to accept the 5G technology with both its arms. The only delay is the indigenous production. And if we can train our individuals in this technology and the service related to this technology, it will going to create a major boost in the employment of India and outside the India, and that is increase the overall remittances. And the dream of India becoming a 5 trillion economy can only be achieved by applying to this method, by successing this method, applying artificial intelligence, internet of things, and all 5G technologies in the government services, government program to check on corruptions and to promote development as well as to gain profit and export the services, being India a major and major component in the service export and IT sector. With our development in the ISRO and other science technology, we can play a better role in exploiting the effects, that is positive effects from the 5G technology. And so that we will be running in the forefront. This is all for today's video. We'll see you in the next question with next video. Till then, stay home, stay safe, and take care.